हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज जंक्शन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को देश दुनिया भर की ढेर सारे नॉलेजेस दिए जाते हैं, ऐसे ही आज मैं आप सभी के लिए एक और ऐसा नॉलेज लेकर आया हूं जिसके बारे में शायद ही आपको पूरी जानकारी होगी। आज मैं आप सभी से तमसा रिवर के बारे में कुछ जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तमसा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सुप्रसिद्ध नदी है, परंतु यह किसी एक ही नदी के लिए सुनिश्चित नाम नहीं है। वस्तुतः इस नाम से प्रसिद्ध एक से अधिक नदियां हैं और इन सभी नदियों का नामांतर समान रूप से टॉन्स या टॉन्स भी है, जिसे कि तमसा का ही अपभ्रंश अथवा अंग्रेजी उच्चारण का प्रभाव माना गया है। यह उत्तराखंड राज्य की एक छोटी सी नदी है जो हर की दून घाटी से निकलकर देहरादून से 56 किलोमीटर दूर कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। हिमालय से निकलने वाली तमसा नदी का वास्तविक उद्गम बंदरपूछ नामक स्थान में है। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली इस नदी की दूसरी धारा का मुहाना उत्तराखंड के देहरादून में खुलता है। दृश्य रूप में नदी की यह धारा वस्तुतः देहरादून के गच्छुपानी नाम से प्रसिद्ध स्थान से निकलती है। गच्छुपानी वस्तुतः तमसा नदी का ही उद्गम स्थल है। यहाँ स्थित लगभग 600 मीटर लंबी गुफा डाकू की गुफा रबर्स केव के नाम से प्रसिद्ध है। यह गुफा वस्तुतः दो पहाड़ियों के बीच की एक सक्रिय गुफा है जिसकी चौड़ाई कहीं तो 10 से 12 फीट और कहीं 3 से 4 फीट हो जाती है। इसी के बीच से निकलते हुए पानी में उतरकर अत्यंत रमणीय दृश्य वाली का अवलोकन करते हुए करीब 600 मीटर की दूरी तय करने के बाद तमसा नदी का उद्गम स्थल देखना अत्यंत आकर्षक तथा संतोषदायक सिद्ध होता है। पहाड़ी के ऊपर से आता हुआ पानी 3 छिद्रों के माध्यम से गुफा में गिरता है और नदी का रूप ले लेता है। इनमें से एक छिद्र बड़ा और 2 छिद्र छोटे हैं। यहीं से निकलकर बहता हुआ पानी तमसा नदी का नाम धारण कर लेता है। यहाँ से दक्षिण की ओर कुछ किलोमीटर जाने पर इसी के किनारे देहरादून का दूसरा रमणीय दर्शनीय स्थल टपकेश्वर महादेव मंदिर भी है, जहाँ इस नदी के किनारे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम होने की याद में वाल्मीकि ऋषि की प्रतिमा भी बनी हुई है। तमसा यमुना की सहायक नदी है और देहरादून से 56 किलोमीटर दूर कालसी में यमुना से मिलने से पहले दोनों धाराओं के मिले हुए रूप का नाम आसन नदी हो जाता है। कालसी के पास इस नदी पर बैराज भी बना है। यह नदी मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। उत्तर पूर्वी दिशा में लगभग 64 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा के बाद यह मैदानी भाग में प्रवेश करके बेलर नदी से मिलती है तथा इलाहाबाद से 32 किलोमीटर दूर की सिरसा के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 265 किलोमीटर है। इसके मार्ग में कई सुंदर जलप्रपात भी हैं। वर्तमान में यह तमसा नदी अंबेडकर नगर से निकलकर आजमगढ़ होते हुए बलिया जिले में गंगा में मिलती है। इसकी लंबाई 79 किलोमीटर है। आजमगढ़ में यह नदी 3 तरफ से बहती है। शहर नदी से 3 तरफ से घिरा है। शहर की सुरक्षा के लिए टॉन्स एडवांस एवं शहर सुरक्षा बांध बना है। तमसा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के निकट बहने वाली छोटी नदी के रूप में हुआ है। वन जाते समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने प्रथम रात्रि तमसा तीर पर ही बिताई थी। इससे स्पष्ट होता है कि रामायण तथा पुराणों में प्रसिद्ध तमसा नदी है। वर्तमान में यह तमसा नदी अयोध्या से लगभग 12 मील दक्षिण में बहती हुई लगभग 36 मील के बाद अकबरपुर के पास बिस्वी नदी से मिलती है तथा इसके बाद संयुक्त नदी का नाम टॉन्स हो जाता है, जो कि तमसा का ही अपभ्रंश माना गया है। तमसा नदी पर अयोध्या से कुछ दूर वह स्थान भी बताया जाता है जहां श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। अयोध्या से लगभग 12 मील दूर तरडीह नामक ग्राम है, जहां स्थानीय किंवदंती के अनुसार श्री राम ने वनवास यात्रा के समय तमसा को पार किया था। वह घाट अभी भी रामचौर के नाम से विख्यात है।
यह टोंस नदी आजमगढ़ जिले में बहती हुई मऊ होते हुए बलिया के पश्चिम में गंगा से मिल जाती है। गाइस, आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं कुछ नए वीडियोस में कुछ नए नॉलेजेस के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।